मेरे साथ मौजूद है नेशनल बैंक के बिलाल आसिफ। पाकिस्तान में अगर ऑफ स्पिनर्स की बात की जाए तो सईद अजमल के बाद आने वाले एक अच्छे ऑफ स्पिनर जो कि रिसेंटली पाकिस्तान टेस्ट टीम से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। बिलाल, वनडे का जो आपका डेब्यू था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा, फिर उसके बाद टीम से बाहर हो गए, टेस्ट टीम में वापसी हुई है, तो थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी है करियर में कितना मुश्किल हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी प्लेयर के लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि जब टीम से इन आउट होते रहो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी खेला हूँ अल्लाह ने परफॉर्मेंस अच्छी करवाई है और मज़ीद भी मेहनत कर रहा हूँ, और जब भी मौका मिलेगा, जब भी चांस मिलता है तो कोशिश यही करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत कर रहा हूँ। देखें, अच्छा बिलाल, आपकी बॉलिंग में खासतौर पर कॉर्पोरेट T20 कप की बात करें तो एक वाज़े इंप्रूवमेंट आपकी पेस में नज़र आ रही है, तो आप थोड़ी पेस बढ़ाइए क्योंकि T20 और वनडे क्रिकेट के अंदर जाहिर सी बात है आपको इफेक्टिव होना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट में तो आप लूप के साथ बॉल कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल आपको हर सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करनी आनी चाहिए, तो T20 वनडे और टेस्ट उसमें थोड़ा डिफरेंट पेस और डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ती है, तो अल्लाह का शुक्र मैंने इस पर काम कर रहा था काफ़ी अच्छे से, अब उस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें काफ़ी खासा फ़र्क भी नज़र आ रहा है। और जैसे कि पहले मैच में अल्लाह का शुक्र है जैसे रिकॉर्ड एक मेडन 4 के 4 मेडन ओवर, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक जा रहा है फिलहाल तो अभी तक रमजान कप। बिल्कुल, जैसे कि बिलाल आसिफ कह रहे थे कि 4 ओवर्स 4 मेडन 2 विकेटें हैं, ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है जो उन्होंने मोमिन सीड्स के अगेंस्ट बनाया था। एक चीज़ पर और बात कर लेते हैं बिलाल से कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक ऑलराउंडर ढूंढ रहा है, मतलब शादाब खान तो हैं लेकिन साथ साथ वहीं मशहूर से जो तवक्को आते हैं उस पर पूरा नहीं उतर रहे, तो जैसे आप ऑलराउंडर हैं, आमिर यामीन हैं और बहुत सारे इस तरह के जो प्लेयर हैं उनके लिए एक कहीं ना कहीं स्लॉट ओपन है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, तो उस पर फोकस किया क्योंकि आप बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है कि मेरा फोकस बॉलिंग, ज़ाहिर सी बात है कि पहले मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ तो बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बैटिंग पे बहुत वर्कआउट करूँ क्योंकि जब से टेस्ट टीम से आया हूँ वापस तो तब से लेके अभी तक जो खामियाँ मुझ में थी या जो चीज़ें थी मैं उन पर वर्कआउट कर रहा हूँ और काफ़ी पहले से इम्प्रूव हुई है बैटिंग की, क्योंकि मैं NC में जाके काफ़ी वर्कआउट कर रहा हूँ इस पर भी, बॉलिंग पर और बैटिंग पर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह होपफुली जब भी चांस मिलेगा इंशाल्लाह अब बैटिंग में भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। थैंक यू सो मच बिलाल। ये थे जी बिलाल आसिफ जो कि एक यकीनन भरपूर सलाहियत रखते हैं एक अच्छे ऑलराउंडर बनने की, और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छी बैटिंग भी की है, T20 में पाकिस्तान की फास्टेस्ट T20 सेंचुरी कर चुके हैं सियालकोट के लिए।